अस्सलामुअलैकुम। ये अभी हमने आप लोगों को दिखाया था एक पिछली वीडियो में कि हम लोगों ने अपने घर पे बहुत सारे पौधे लगाए हुए हैं, डिफरेंट किस्म के दरख्त लगाए हुए हैं, शहतूत लगाया हुआ है, बेर लगाया हुआ है, फालसा लगाया हुआ है, तो वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज हो रहे थे। तो सीज़न भी था तो हमने उनकी कटिंग की, तो उनकी कट करने के बाद जो है कटिंग करने के बाद बहुत सारी लंबी लंबी लकड़ियाँ उनकी जो है निकली थी, तो हमने उनको फिर जो है निकाल के साइड पर रखा। इसके अलावा अब उनको हमने क्योंकि स्टोर करके रखना है, क्योंकि तभी जो है फ्यूल की ज़रूरत पड़ सकती है, गैस अगर नहीं आ रही है तो लकड़ियों पे खाना पकाना पड़ सकता है, या कोई फ्रेंड्स वगैरह आए हुए हैं, फैमिली है, कोई इवेंट है, तो उसके ऊपर हम जो है बारबेक्यू भी कर सकते हैं लकड़ी पे। तो उसके हिसाब से हमने वो लकड़ियाँ फिर रखी हैं। तो अब उनको छोटा करना और स्टोर करने के लिए आसान करना, स्टोर में आसानी करने के लिए हमने ये कुल्हाड़ी निकाली थी। तो इसको मैंने ढूंढा, बहुत जो है इसकी ख़राब हालत हुई हुई थी, तो इसका हैंडल भी जो है सही तरीके से नहीं लगा हुआ, ब्लेड जो है गलत जगह से इसमें लगा हुआ है। तो अब मैं आप लोगों को नए तरीके से और जो सही तरीका है उस तरीके से आपको मैं इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। अब आप लोगों को मैं पुरानी वाली कुल्हाड़ी का हाल तो दिखा चुका हूँ, तो अब हम उसको जो है इतना इस्तेमाल नहीं कर सकते, मजबूत भी नहीं है वो। तो मैं बाहू काफ़ी अर्से से कह रहा था कि मुझे नई कुल्हाड़ी चाहिए, तो क्योंकि आजकल हम जो है ड्रामा देख रहे हैं अर्दुल गाजी, उसके अंदर जो है तलवारों और कुल्हाड़ियों और जंग वगैरह का माहौल दिखाते हैं। मुझे तलवारों का और कुल्हाड़ी का जो है बहुत ज़्यादा शौक है, तो उसकी वजह से फिर बाबा ने जो है मुझे ये नई कुल्हाड़ी ला के दी है, गिफ्ट की है, और ये जिम्मेदारी भी दी है कि इसको जो है सही तरीके से मैंने हैंडल और जो ब्लेड है इसको इंस्टॉल करना है और बिल्कुल एक परफेक्ट कुल्हाड़ी बना के दिखानी है। तो अब इसको जो है हमने पीछे की तरफ से करके डालना होता है, आगे से कई लोग क्या करते हैं कि यहाँ मोटी वाली साइड को जो है कट वगैरह करके या ट्रिम करके ऊपर से डाल देते हैं। ऊपर से डालना जो है वो सही नहीं है, इसको पीछे से करके जो नैरो साइड है इसकी, थिन साइड है, वहाँ से करके हमने कुल्हाड़ी को आगे भेजना है, और उसके बाद फिर हम इसको जो है ज़मीन पे करके मारेंगे। हाँ, अब ये यहाँ पे हो गई है फिट थोड़ी, तो अब यहाँ पे इसके निशान बन जाएंगे, बल्कि बन गए हैं। तो अब हम इसको जो है ट्रिम वगैरह करेंगे और इसको जहाँ आगे तक पहुँचा सकते हैं पहुँचाएंगे। तो अब इसके यहाँ पे निशान बन चुके हुए हैं। मैं आपको ये बात भी बता दूँ कि जो लोग इसको आगे से डालते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो उसमें नुकसान ये है कि जब हम इससे जो है लकड़ियाँ काट रहे होंगे तो ये अगर वहाँ पे अटक जाएगी, फंस जाएगी, तो जब निकाल रहे होंगे तो नहीं सही से निकल पाएगी, या आगे से इसका ये ब्लेड जो है वो निकल के गिर जाएगा। इस वजह से फिर जो है अगर हम इसको पीछे से इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे इसको जो अच्छी खासी जो है मोटी जगह मिलेगी, जिसकी वजह से ये नहीं निकल पाएगी। अब मैं इसको जो है निकालूंगा। सही, अब ये निकल गई है इसके, ये शायद आप लोगों को नजर आ रहा हो, यहाँ पे हल्के हल्के इसके कट बन चुके हुए हैं। अब इसको हम जो है फाइल से, इससे जो कि इसको इंग्लिश में फाइल कहा जाता है और उर्दू में मारफा कहते हैं, तो इससे हम इसको हल्का करके फाइन करेंगे। ये सिर्फ लकड़ी को फाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इससे हम लोहे को नहीं कर सकते। चल, अब हम इसको जो है हल्का करके करेंगे। ये आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा जो ये फाइन होना शुरू हो गया है। तो अब हमने इसको जो है कम से कम यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसको फाइन किया है, पतला किया है, तो हमने इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं करना ताकि जो है जो ये ब्लेड है वो निकल ही जाए इसमें से। हमने इसको आगे से अच्छा खासा मोटा छोड़ना है ताकि वहाँ पे जाके ये अटक जाए ब्लेड, और फिर जो है हम इसको पानी में डालेंगे, जब ये नरम होगी लकड़ी फिर हम इसको ठोकेंगे और वहाँ पे तब ये जगह सही तरीके से अटकेगी। तो अभी तकरीबन हमने इतना इसको हमने फाइन किया है, तो अब मैं डाल के देखता हूँ। हाँ, ये अभी यहाँ तक आ रही है, इसको थोड़ा सा और अभी फाइन करना है, यहाँ तक कम से कम 2 इंच, फिर देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचती है।
ये मुझे लगता है कि अब हो गई भी है काफी हद तक। ये देख लें अभी यहाँ पे जो है बिल्कुल फिट आ रही है, और लेकिन अभी भी एक चीज़ की कमी है। अब हम इसको जो है पानी में डालेंगे, और उसके बाद हम इसको जब ये लकड़ी जो है पानी में डालने से लकड़ी फूलेगी और सॉफ्ट होगी तो तब जो है हम इसको और आगे भेजेंगे ठोक के, और उसके बाद फिर जब ये सूखेगी लकड़ी तो ये जो है बिल्कुल सही जगह पर सही तरीके से फिक्स हो जाएगी, और उसके बाद बहुत मुश्किल से निकलेगी। अब ये जो है तकरीबन हम इसको यहाँ से फाइन करते हुए लेके आए थे यहाँ तक, और अब यह फर्क देखें इसका। तो अब हम इसमें ब्लेड लगा के देखते हैं। सही, ये देखें, और अब इसके अंदर जो ये गैप है तो ये देखें ज़रा आप, इसमें जितना कम गैप होगा इस जगह पे तो इसमें वाइब्रेशन उतनी कम होगी, जिसके वजह से जो लकड़ी भी है वो भी सेट रहेगी, लोहा भी सेट रहेगा, हमारी स्ट्रेंथ भी सही लगेगी, और हमारी लकड़ी भी ख़राब नहीं होगी, और ना हमारे हाथ पे जो है कोई कट वगैरह लगेगा, कोई चोट लगेगी। तो अब हम इसको एक फाइनल स्टेप में लेके जाएंगे। अब हम इसको फाइनल स्टेप हमारा इसका है, हम इसको पानी में डुबोएंगे जिससे लकड़ी सॉफ्ट होगी, और फिर हम इसको जो है बिल्कुल सही से फिट कर सकेंगे। पानी में अब हम इसको डुबो रहे हैं, तकरीबन हम इसको 10 मिनट के लिए पानी में डुबोएंगे फिर लकड़ी जो है ताकि अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। तो अब इसको तकरीबन 10 मिनट हो गए हुए हैं, अब हम इसमें ब्लेड डाल के देखें। अब एक बार ठोक, अब ये हमने जो है मुड्डी पे इसको रख के करेंगे, ताकि जो है वरना इसके जो लोहा है उस पर स्ट्रोक पड़ रही थी ब्लेड पर। अब जो है लकड़ी और जो ये लोहा है इसका, तो इसकी आपको तकरीबन जो है एक आवाज़ आनी शुरू हो गई होगी, यानी कि लकड़ी की अलग हो लोहे की अलग हो। तो कहते हैं कि जब ये इनकी एक जैसी आवाज़ आना शुरू हो जाए तो हमें तब तक ठोकना है, और अब ये आ गई हुई आवाज़, तो एक दोबारा और ठोक लेते हैं बस। अब ये देख लें, अब इसमें बिल्कुल भी गैप नहीं है, और जब हम इसको जो है इससे हम लकड़ी काट रहे होंगे या मूव कर रहे होंगे इसे तो ये निकलेगी। अब जो है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इस एक्स से कुल्हाड़े से लकड़ी किस तरह काट रहे हैं। तो अब मैं दिखाता हूँ, देख लें क्या हाल कर दिया इसका। अब इसको देखते हैं हम, अभी मेरी एक बेस्ट जो है एग्स तैयार हो गई हुई है कुल्हाड़ी,
तो अब ये जितनी भी आपको पीछे लकड़ियाँ नज़र आ रही हैं, इनको मैं ख़ास साइज़ के हिसाब से, अपनी मर्ज़ी के साइज़ के हिसाब से कट करके थोड़ी जगह पे जो है फ्यूल के तौर पे हम इनको स्टोर कर देंगे, ताकि जब जो है ज़रूरत पड़े तो हम इनको जला के खाना बना सकें या बारबेक्यू कर सकें, कुछ भी एक्स वाई ज़ेड कुछ भी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आई होगी। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैंने देखा है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो हमारी वीडियोज़ देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें वीडियो को और शेयर करें, ताकि जो है दूसरों को भी पता चले कि एग्स को सही तरीके से किस तरह बनाया जाता है।